तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सब। देखो भाई, सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे ये देख लो, अपना ये वाला सीजन खत्म हो रहा है 9 दिन के अंदर, और अपना न्यू सीजन का स्टार्टिंग टाइम है 21 अक्टूबर सुबह का 7:30 बजे। और तुम लोगों से भाई देखो, बहुत सारे बंदे नेक्स्ट सीजन में कॉन्करर जाने के लिए रैंक पुश करने वाले हैं, लेकिन भाई देखो तुम लोगों से कुछ बंदों का ये सवाल होता है कि भाई हम लोग ये सीजन कॉन्करर के लिए रैंक पुश नहीं किए, तो फिर भाई हम लोग का टीयर रिसेट नेक्स्ट सीजन कौन से टीयर पे होगा। तो देखो भाई, अगर तुम लोग ये सीजन में ब्रॉन्ज 1 से लेके ब्रॉन्ज 5 तक हो, तो भाई फिर तुम लोग नेक्स्ट सीजन भी ब्रॉन्ज 1 से लेके ब्रॉन्ज 5 तक ही रहोगे, तुम्हारा कोई भी टीयर रिसेट नहीं होगा। और ब्रॉन्ज के बाद गाइस देखो अब आता है अपना सिल्वर। तो भाई देखो, अगर तुम लोग का ये सीजन सिल्वर 1 से लेके सिल्वर 5 तक के अंदर कोई भी टीयर है, तब भी गाइस तुम लोग का नेक्स्ट सीजन टीयर रिसेट नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ पे गाइस बीच में अपना ब्रॉन्ज और सिल्वर वालों का कोई भी टीयर रिसेट नहीं होता है, लेकिन अगर तुम लोगों का ये सीजन टीयर है गोल्ड 2, गोल्ड 3, गोल्ड 4, गोल्ड 5, तो भाई तुम लोग का नेक्स्ट सीजन टीयर रिसेट होगा गोल्ड 5 पे, मतलब तुम लोग गोल्ड 5 पे गिरोगे नेक्स्ट सीजन। और अगर तुम लोग का ये सीजन टीयर है प्लैटिनम 5, प्लैटिनम 4 या फिर गोल्ड 1, तो भाई तुम लोग का नेक्स्ट सीजन टीयर रिसेट होगा गोल्ड 4 पे। और अगर गाइस तुम लोग का ये सीजन टीयर है प्लैटिनम 1, प्लैटिनम 2, प्लैटिनम 3, तो भाई तुम लोग का नेक्स्ट सीजन टीयर रिसेट होगा गोल्ड 3 पे। और अगर तुम लोग का ये सीजन टीयर है डायमंड 3, डायमंड 4, डायमंड 5, तो भाई तुम लोग नेक्स्ट सीजन गिरोगे गोल्ड 2 पे। और अगर तुम लोग का ये सीजन टीयर है डायमंड 1, डायमंड 2, तो भाई फिर तुम लोग का नेक्स्ट सीजन टीयर रिसेट होगा गोल्ड 1 पे। लेकिन भाई अगर तुम लोगों ने ये सीजन थोड़ा ज्यादा मेहनत किया है रैंक पुश में, और अगर तुम लोग का टीयर चल रहा है क्राउन 4 या फिर क्राउन 5, तो भाई देखो फिर तुम लोग का नेक्स्ट सीजन टीयर रिसेट होगा प्लैटिनम 5 पे। और अगर तुम लोग ये सीजन क्राउन 2 या फिर क्राउन 3 पे हो, तो फिर भाई लोग तुम लोग का नेक्स्ट सीजन टीयर रिसेट होगा अपना प्लैटिनम 4 पे। लेकिन अगर तुम लोग का ये सीजन क्राउन 1 है, तो गाइस देखो फिर तुम लोग नेक्स्ट सीजन गिरोगे प्लैटिनम 3 पे। लेकिन अगर तुम लोगों ने भाई ये सीजन अपना एस या फिर एस मास्टर लगाया, मतलब 4700 पॉइंट तुम लोगों ने लगाया है या फिर कम से कम एस भी लगाया है ना, तो भाई देखो फिर तुम लोग को नेक्स्ट सीजन कॉन्करर करने में बहुत आसानी होगा, तुम लोग का टीयर रिसेट होगा प्लैटिनम 2 पे। लेकिन अगर तुम लोगों ने भाई ये सीजन अपना फुल ट्राई किया, मतलब कॉन्करर चले गए हो तुम, कॉन्करर छोड़ो भाई, अगर तुम लोगों ने एस मास्टर में 4800 पॉइंट लगाया है या फिर 5200 पॉइंट लगाया है, तो भाई देखो फिर तुम लोग का नेक्स्ट सीजन टीयर रिसेट होगा प्लैटिनम 1 पे। और तुम लोग को भाई देखो, मैं यहाँ पे ये वीडियो 8 से 9 दिन पहले बना के इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखो अभी भी तुम्हारे पास 8 से 9 दिन का टाइम बचा है। अगर तुम लोग को भाई नेक्स्ट सीजन कॉन्करर जाना है, तो भाई कम से कम ये सीजन ट्राई करो एस जाने का। अगर तुम लोग एस जाओगे, तो भाई देखो फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा नेक्स्ट सीजन कॉन्करर करना, और भाई देखो तुम्हारा भाई भी नेक्स्ट सीजन तुम लोग के साथ कॉन्करर करेगा। और यहाँ पे अभी जो फिलहाल तुम लोग ये वाला गेम प्ले देख रहे हो भाई, ये भी है अपना इस सीजन का कॉन्करर टीयर का गेम प्ले, लेकिन फिलहाल के लिए सीजन खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे लॉबी उतना अच्छा नहीं आ रहा, मतलब बंदे गाइस बिल्कुल भी नहीं बच रहे हैं। और अभी के टाइम पे गाइस देखो, मेरा सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मर जाता हूँ, भाई देखो मेरे को इस वाले मैच में बहुत गंदा माइनस मिलेगा। इस मैच में नहीं गाइस, हर एक मैच में सिर्फ माइनस ही मिल रहा है, क्योंकि भाई अभी फिलहाल मेरे को सिर्फ चिकन करने पे ही प्लस मिलता है। अगर मैं चिकन नहीं कर पाऊंगा, तो भाई देखो फिर उतना अच्छा खासा पॉइंट का प्लस नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे अपने सामने एक बंदा था, मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक फिनिश किया, मेरा टीममेट एक और बंदे को नॉक फिनिश किया, अब यहाँ पे एक और बंदा है, मतलब यहाँ पे टोटल 2 टीम था। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सामने वाले बंदे को लिटरली डॉट टच भी किया हूँ, और अभी टाइम था इस वाले बंदे के ऊपर पुश करने का। और तुम लोग गाइस यहाँ पे अब देखो कि हम लोग इस वाले टीम को कैसे फिनिश करेंगे। मैं जल्दी से अपना व्हीकल लेके सामने वाले टीम के ऊपर पुश करता हूँ, और अपने टीममेट को मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तू अकेले मत घुसना, क्योंकि अभी फिलहाल सामने बस एक सिंगल बंदा बचा। और भाई देखो, अगर तुम्हारे सामने एक बंदा बचा ना भाई, देखो वो बंदा हमेशा ट्राई करेगा नॉक फिनिश करने का, तो यहाँ पे इसी कारण से मैं बोलता हूँ अकेले मत घुसना। और तुम लोग भाई मेरे टीममेट का HP देख लो, मेरा टीममेट भाई लिटरली डॉट HP बचा, और यहाँ पे ये बंदा मेरे टीममेट को फिनिश करने का पूरा ट्राई करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस वाले भाई साहब को आराम से फिनिश करते हैं। इसको मारने के बाद अभी टाइम था गाइस फिर से जोन के अंदर निकलने का, और इतने बड़े सर्कल में गाइस यहाँ पे सिर्फ 12 बंदा बचा है। मतलब अगर भाई ये अभी लॉबी का स्टार्टिंग होता ना, मतलब सीजन का स्टार्टिंग वाला लॉबी होता अभी, तो भाई कम से कम 30 से 40 बंदा भी इस लॉबी में बच रखा होता, लेकिन यहाँ पे सीजन का एंड आ चुका है, तो भाई बंदे बिल्कुल
बिल्कुल भी रैंक पुश नहीं कर रहे हैं। और इसलिए गाइस मैं तुम सब बंदे को बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोग को नेक्स्ट सीजन कॉन्करर जाना है तो भाई देखो ये सीजन एस लगा लो कम से कम, बहुत आसान है एस लगाना। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा आया, अब ये वाला बंदा भी जून के बाहर से आता है भाई, शायद से ये बंदा रैंक पुश कर रहा होगा, लेकिन भाई यहाँ पे ये बंदा बैठ के हील लगा रहा होता, हमने सिर्फ एक सिंगल बुलेट मारा और बंदा आराम से फिनिश हो जाएगा। और अभी यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ यासनाया जाने के लिए, लेकिन मेरा टीममेट जोन के बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट जोन के बाहर जाते टाइम ही फिनिश हो जाएगा। मतलब जोन के बाहर भी अभी भी कोई बंदा कैम कर रहा है भाई, पता नहीं बंदे कहाँ पे कैम करते हैं, मतलब सीजन का एंड आ चुका है लेकिन अभी भी जोन के बाहर बैठ के कैंपिंग करना है। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मेरा टीममेट मर चुका है और मेरा टीममेट का इस वाले मैच के अंदर हो गया माइनस, क्योंकि भाई हैशटैग 2 पे प्लस मिलेगा या फिर चिकन करने पे प्लस मिलेगा। और मैं फिलहाल यहाँ पे गाइस यासनाया के अंदर इस वाले बिल्डिंग पे बैठ के कैंपिंग कर रहा होता हूँ, यहाँ पे मैं बस इस वाले बिल्डिंग के अंदर बैठ के होल्ड कर रहा हूँ, बस वेट कर रहा होता हूँ बंदे का मेरे ऊपर पुश करने का। मेरे को भाई देखो पीछे से साउंड आ रहा है, सामने से साउंड आ रहा है, मैं यहाँ पे स्कोप खोल के बैठ गया कि बस एक बार बंदा अंदर आ जाए उसको मैं इतना गंदा हार्ट अटैक दूंगा ना कि भाई बंदा अभी कैंपर कैंपर बोल के बहुत गाली दे रहा होगा मेरे को, बस देखते जाओ। बंदा अंदर आया और यहाँ पे तुम्हारा भाई इस वाले बंदे को इतना गंदा कैम करके मारा है कि भाई ये पक्का गाली दे रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं अकेला बचाऊँ, मैं कैंपिंग करूंगा भाई, देखो बिल्कुल करूंगा कैंपिंग। और अभी यहाँ पे गाइस देखो मेरे ऊपर दो और बंदा पुश करने वाला है, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं सामने वाले बंदे के ऊपर नेट करने का ट्राई करता हूँ। सिर्फ 5 बंदा बचा है, मतलब 2v2v1 का फाइट है, मैं यहाँ पे अकेला बचाऊँ, या तो 2v2v1 का फाइट है या फिर एक डुओ बचा है, बाकी का 3 सोलो बंदा बचा है। यहाँ पे गाइस देखो फिलहाल के लिए मैं सामने वाले बंदे के ऊपर बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहा हूँ, लेकिन बंदा अभी तक नॉक या फिर फिनिश नहीं हुआ है। मैं अभी भी इसी जगह पे बैठ के वेट कर रहा हूँ कि भाई बंदा मेरे ऊपर पुश करेगा, मैं इसको फिनिश करूँगा, मैं किसी भी बंदे के ऊपर पुश नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे को #2 किसी भी तरीके से आना है। अगर मैं #2 नहीं आया भाई मेरे को प्लस नहीं माइनस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से नेट करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा होता हूँ कि अगर मैं सामने वाले एक बंदे को भी नॉक किया तो भाई देखो फिर मैं इसके ऊपर आराम से पुश कर पाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को भाई बिना नॉक किए 1v2 का फाइट नहीं लेना है। मैं यहाँ पे भाई बहुत बार नेट किया लेकिन मेरा किस्मत खराब था, और सामने वाले बंदे का किस्मत देखो बहुत अच्छा था, वो एक भी बार नॉक नहीं होता है। और अभी यहाँ पे मैं किसी भी टीम के ऊपर पुश करने के लायक नहीं बचूंगा, क्योंकि भाई देखो फिलहाल यहाँ पे डेथ सर्कल आने वाला है और मैं हो जाऊँगा सर्कल के बाहर, मतलब मैं सर्कल के अंदर रहता हूँ लेकिन फिलहाल के लिए मैं किसी भी टीम के ऊपर पुश नहीं कर सकता हूँ, मेरे को भाई ये डेथ सर्कल के बाहर जाके पुश करना होगा। तो फिलहाल तो गाइस देखो मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मैं बस अभी यहाँ पे इस जगह पे बैठ के हील बटन लगाऊंगा, लेकिन सामने वाले एक बंदे को ज़्यादा चुल मचा था भाई, देखो बंदा मेरे ऊपर पुश करेगा और तुम लोग देखो भाई तुम्हारा भाई जोन के बाहर से मारेगा उस बंदे को। और फिलहाल तो गाइस देखो अपना यही था आज का वीडियो, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय गाइस, बाय।